हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो फ्रेंड्स, मैंने कपड़े मशीन में डाले हुए हैं, कुछ मैंने निकाल दिए है धो के और कुछ अब स्पिन हो रहे हैं। उन्हें निकाल के अभी मैं सुखाने के लिए डाल दूंगी। तो चलिए, धूप बहुत अच्छी आई है तो पहले कपड़े सुखा लेते हैं। फ्रेंड्स, सारे कपड़े डाल दिए सुखाने के लिए। तो देखिए, और जो वाइट वाइट से हैं और सॉक्स वगैरह, वो मैंने मंजे पे डाल दिए। एक बार इन्हें फिर से पलटी लगा दूंगी थोड़ी देर बाद, तो सारे कपड़े सूख जाएंगे। तो अभी फ्रेंड्स, मैं चलती हूँ नीचे क्योंकि कपड़े धोए हैं, टंकी खाली हो गई है और मुझे करनी है अभी मोटर ऑन। अगर लाइट चली गई तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी पानी के बिना। तो चलती हूँ, पहले मोटर ऑन कर लेती हूँ। तो जब मैं नीचे आई तो मैंने देखा साथ साथ सौरिश ने अपनी छिनचैन मूवी लगाई हुई है और इधर बैठ के सोफे पे गन्ना खा रहा है। चलो इधर नहीं गन्ना खाना, चलो आंगन में। नहीं बेटा, यहाँ नहीं। सौरिश नहीं, यहाँ पे सारा देखो, मैंने मैट डालना, भी खिलारा पड़ जाएगा। नहीं नहीं बात मानी, मैं भी चल रही हूँ नीचे, आ जाओ। मैं भी मैंने मेरे को तो सौरिश बहुत जिद करने लग पड़ा, नहीं माना बाहर आने के लिए। तो फिर मैंने इधर मैट डाल दिया और एक टॉवल छोटा रख दिया तो टेबल के नीचे, कि आप इस पे फेंक देना अगर कुछ और गिरेगा। वैसे इसने बड़ा सा बाउल रखा हुआ है एक, उसमें डाल रहा था छिलके। तो मैं चलती हूँ अभी मोटर ऑन कर लेती हूँ, वरना मुश्किल हो जाएगी। अगर मैं भूल गई तो लाइट जा सकती है, तो फिर टंकी रह जाएगी खाली। तो कल मेरा व्रत है इसलिए मैंने गन्ने ले लिए थे दो। एक चाहिए था वो संकट चौथ का व्रत है, तिलकुट का भी कहते हैं उसे, जो बच्चों के लिए रखा जाता है। और एक मैंने गन्ना ले लिया था जो पूजा करते हैं उसके लिए, और दूसरा मैंने लिया कि सौरिश खाता है गन्ना, इसलिए दो लिए थे। तो सौरिश अपना वाला देखिए तोड़ के ले गया आधा। अभी मैं भी कुछ देर यहीं बैठूंगी, मंजा लगा लेती हूँ लोन में, धूप बहुत अच्छी है। साथ ही साथ मुझे भी गन्ना खाना है, गन्ना मेरा भी फेवरेट है। तो चलती हूँ अभी। पहले इधर आओ ना, बताओ क्या सामान चाहिए। क्या सामान चाहिए? रोज खाते हो आजकल लॉलीपॉप आप? साइकिल पे जा रहे हो? आराम से साइकिल चलाना, जल्दी आओ जल्दी वापिस। ध्यान से, गली में गाड़ी है कोई।
मैं कर लूंगी, आप जाओ, खुला ही रहने दो ना, आपने आना भी तो है ना। सॉरी, चला गया दुकान पे, ऐसे लॉलीपॉप लेके आना था। और दे देखिए, गन्ने वाला गया एक और, तो मैंने उसे ले लिया गन्ना। ये तो ये खाने के लिए अच्छा था, दूसरा वाला तो ऐसे ही था, उसमें रस ही कम था, तो ये अच्छा था, इसलिए मैंने इनसे एक और ले लिया। तो अभी मैंने ये छिड़के वगैरह सारे उठा लिए और सफाई हो गई है। तो फ्रेंड्स, अभी मुझे तिल है जो उन्हें धोना है, क्योंकि तिलकुट का व्रत है, तो कल वो बनेगा, कूलर बनेगा घर में, तो उससे मुझे अभी धोना है तिलों को। तिल तो एकदम से साफ है, लेकिन फिर भी उन्हें पानी से एक बार धो लेती हूँ, और फिर वो कल तक अच्छे से सूख जाएंगे, फिर उनका बनाना है कूलर। तो चलती हूँ, मैं इसे धो लेती हूँ, आंगन में ही डाल दूंगी मंचे के ऊपर। तो ये दो पैकेट हैं आधा आधा किलो के। तो यहाँ पे धूप है, मैंने मंजा लगा दिया, ऊपर बिछा दिया ये दुपट्टा। फ्रेंड्स, तिलों को मैंने अच्छे से फैला दिया अभी। तो फ्रेंड्स, तिल मैंने धो के डाल दिए और सूख जाएंगे अभी। अगर नहीं सूखेंगे तो कल शाम तक बनाते हैं जी कूलर, 4 बजे तक, तो ये तब तक सूख जाएंगे। अभी मुझे देखना है सोरिश को, वो क्या कर रहा है, गली में साइकिल लेके गया है, तो चलिए देखते हैं उसको। तो मुझे सामने सोरिश दिख नहीं रहा, तो मैं इसके पीछे जाती हूँ, क्योंकि इसको मना किया हुआ है ज्यादा दूर नहीं जाना, घर के आसपास ही रहना है। क्या बोला था? मैंने बोला था ना इससे दूर नहीं जाना, उधर बिल्कुल नहीं जाना। अच्छा ठीक है, वह आ रही है ना, मेरी ब्रेक लग तो उसकी प्रॉब्लम है, ब्रेक आगे जाकर रुकती है मेरी। तो धीरे धीरे चला लिया करो ना, दूसरा साइकिल ले लो। हाँ, वो है अभी हैरी ने दीपिका को बुलाने गया हुआ है, अब वो आ रहा है। लेकिन इधर उनको बोलो हमारी गली में, बस यहाँ से लेके बस कैसे जाना। हैरी ज्यादा दूर नहीं जाना बेटा, क्योंकि अभी रश पड़ गया ना, देखो कितनी सारी बाइक्स जा रही है अभी। हाँ, तो फ्रेंड्स, मैं सोरिश के शूज लेके जा रही हूँ, ना तो सॉक्स पहनी है ना शूज पहनी है इसने, तो ऐसे साइकिलिंग कर रहा है, तो उसको शूज पकड़ा देती हूँ मैं इधर से ही। अच्छे से पहले अच्छे से पहनो, फिर जाओ। हैरी भी इधर ही है, लेकिन आराम से, दूर बिल्कुल नहीं जाना, बहुत ज्यादा बाइक चल रही है अभी। नहीं बेटा, सही है, देखो हैरी ने भी पहने ही है ना। सॉरी, ने दूसरा साइकिल निकाल लिया।
तो फिर मैंने हैरी को बोला कि इसको अंदर लगा दो। थैंक यू हैरी। फ्रेंड्स अभी मैंने बनाई अपने लिए चाय, क्योंकि चाय का टाइम हो गया अभी, तो देखिए मैंने चाय बना ली है। तो फ्रेंड्स आप भी चाय पी लीजिए। तो साथ ही साथ मैंने टीवी ऑन कर लिया, तो न्यूज़ चैनल ऑन कर लिया, तो साथ साथ न्यूज़ देखती हूँ, साथ साथ चाय पीती हूँ। तो मिलती हूँ आपसे बाद में फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स चाय वगैरह हो गई है और अभी चलते हैं छत पे, तो जो कपड़े डाले थे उन्हें ले आती हूँ, जो नहीं सूखे हैं उन्हें यहाँ डाल देती हूँ अंदर ला के, तो जो सूखे उन्हें फोल्ड भी करना है। तो चलिए ऊपर चलते हैं, देखते हैं क्या हाल है कपड़ों का। तो फ्रेंड्स जितने कपड़े धोए थे सभी सूख गए हैं, अभी मैं इन्हें फोल्ड कर लेती हूँ, फिर मुझे बनाना रात का खाना। तो फ्रेंड्स मेरा तो काम दिन भर ऐसे ही चलता रहता है, 10 बजे तक रात के तब जाके ख़त्म होगा ये काम। तो इसी के साथ ही मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना अपनी फैमिली का बच्चों का ध्यान रखें। बाय बाय फ्रेंड्स।